अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम सीखेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप T20 का हो रहा है जी, और उसकी लाइव स्कोरिंग यूट्यूब पर कैसे करते हैं वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। कि वीडियो तो अलाउ नहीं है, उसकी मैच तो हम नहीं दिखा सकते हैं किसी जगह पर भी, क्योंकि स्ट्राइक्स आ जाती हैं और चैनल भी उड़ सकता है और साथ ही साथ आईडीज भी उड़ सकती हैं अगर फेसबुक पर आप चलाएंगे। मेरे साथ हो चुका है, मैं 2-3 आईडीज उड़ा चुका हूं, पेजेस भी उड़ा चुका हूं। लिहाजा आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम यूट्यूब और फेसबुक पर बगैर स्ट्राइक के किस तरह आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की लाइव स्कोरिंग दिखा सकते हैं अपने OBS को इस्तेमाल करते हुए। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें, सपोर्ट करें। नया चैनल बनाया है मैंने, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तावन करें, आपका बहुत शुक्रिया। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले हमने खोल लेना है जी OBS। OBS पे आने के बाद यहाँ पे हमें एक ब्राउज़र चाहिए होगा। अगर OBS के बारे में आपको मालूमात नहीं है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके इसकी वीडियोस देख सकते हैं कि OBS को किस तरह डाउनलोड किया जाए और किस तरह लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है फेसबुक और यूट्यूब पर, उसका भी तरीका मैंने अलग से बताया हुआ है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं सिर्फ जो है वो बेसिक चीज़ें यहाँ पर आपको बताऊँगा। बाकी अगर आपने इसके OBS और बारे में डिटेल में देखना है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक नया सीन क्रिएट करना है, सीन मेरा ऑलरेडी क्रिएट है। सोर्स में आके मैंने यहाँ पे प्लस के आइकन को प्लस करना है और यहाँ पे ब्राउजर को सिलेक्ट करना है। ब्राउजर को सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे अब हमने एड्रेस देना है, तो बेस्ट एड्रेस है। काफ़ी सारी लाइव स्कोरिंग की वेबसाइट्स हैं, लेकिन अच्छी वेबसाइट है जिसपे HD में स्कोर आते हैं, उसके पिक्सल भी नहीं फटते हैं, वो वेबसाइट मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो मैं अभी चला जाता हूँ अपने गूगल क्रोम पर और यहाँ पे मैं अपना अकाउंट खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं टैक्स और ओके कर दूँगा। तो यहाँ पे गूगल में ये सबसे पहले आपके पास tracks.live के नाम से वेबसाइट आ जाएगी, इसको आपने खोल लेना है। तो खोलने के बाद यहाँ पे जो मैचेस अभी लाइव चल रहे होंगे वो आपके सामने शो हो जाएंगे। अभी जो मैच चल रहा है ICC T20 वर्ल्ड कप का वो है तो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का, लेकिन वो यहाँ पे अभी नहीं आ रहा, शो नहीं हो रहा। वजह यह है कि बारिश की वजह से मैच नहीं हो रहा है। बारिश की वजह से मैच डिस्टर्ब हुआ हुआ है, लेट हुआ हुआ है। तो लिहाजा यहाँ से मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने OBS पे चला जाता हूँ। OBS पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने आके वो लिंक URL में कर देना है पेस्ट, और यहाँ से मैंने इसको कर देना है 1000, इसको भी कर देना है 1000, ठीक है। विथ भी हाइट भी आपने 1000 कर देना और इसको ओके कर देना। विथ हाइट आपकी 1000 आ जाएगी और यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और वेबसाइट ओपन होने के बाद आपने इसको कर देना है क्रॉप। क्रॉप करने का तरीका दोस्तों ये है कि जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ये डबल क्लिक का निशान आएगा, तो आपने अल्ट प्रेस करके इसको माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसको ऊपर नीचे जहाँ भी लेके जाएंगे ये क्रॉप हो जाएगा। तो ये हमने इसको क्रॉप कर दिया है और थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं। एंड जो स्कोर हैं वो हमने यहाँ पे शो करवाने हैं। ये हमारा क्रॉप हो चुका है, तो मैं दरमियान में लेता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। थोड़ा सा बड़ा करने के बाद ये मैं फ्रेंड आपको साथ ही बता देता हूँ कि हम बेसिकली बनाना क्या चाह रहे हैं। मैंने अपने दूसरे चैनल पर लाइव स्कोरिंग की हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह का कुछ इंटरफेस हमने बनाना है। ये लाइव स्कोरिंग हो रही है अभी, लगाई हुई थी अभी नहीं हो रही, सॉरी ये मैच श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का वो चल रहा है यहाँ पे लाइव। ये उसी वेबसाइट से मैं लाइव उठा के यहाँ से चलाया हुआ था, इसलिए हम यही चीज़ बनानी है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलिए चलते हैं अपने OBS पे। यहाँ पे अभी बैकग्राउंड भी हमने एक का कुछ सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे प्रेस करके हमने इमेज को सेलेक्ट करना है और ओके करके यहाँ पे जाके कोई भी गूगल से आप बैकग्राउंड डाउनलोड कर लें। मैं ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करके इसको पूरे स्क्रीन पे कर देंगे और यहाँ पे इसको
लेंगे और साथ इसको लॉक कर देंगे ताकि जब हम काम कर रहे हो किसी और लेयर पे तो डिस्टर्बेंस ना आए। तो फ्रेंड्स इसके बाद इसको थोड़ा सा और क्रॉप करके ऊपर ले जाते हैं, ऊपर से थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, साइडों से भी थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं और इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। डिजाइन बना सकते हैं, मैं बेसिकली आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आप इंशाल्लाह मुझसे बेहतर बनाएंगे तो बेहतर करेंगे। उसके बाद हम इसको ब्राउज़र को जो है वो कॉपी करते हैं और यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। एक और लेयर बन गई है और अब हम इसको जो है वो फोरिंग लेके आएंगे। तो फ्रेंड मैं कोई और मैच उठा लेता हूँ क्योंकि ये मैच तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ हुआ और इसलिए यहाँ पे जो है वो स्कोरिंग नहीं आ रही होगी। मैं यहाँ पे जाके जो है पुराना मैच उठा लेता हूँ, पुराना मैच कि ये मैच पाकिस्तान इंडिया की मैच उठा लेता हूँ, वो कॉपी करता हूँ और ओबीएस पे जाके मैं ब्राउज़र पे यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँ। तो फ्रेंड्स ये कॉपी, जब आप एक ब्राउज़र को कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा जब भी आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो सारी आपकी स्क्रीन पे जितने भी ब्राउज़र होंगे सारे रिफ़्रेश हो जाएंगे। अगर आप दोबारा से प्रेस करके ब्राउज़र खोल के और दोबारा लिंक इंटर करेंगे तो वो आपका बार बार फ्रेश एक ही पेज नहीं होगा, उसको हर एक को आपको अलहदा अलहदा फ्रेश करना पड़ेगा, इसमें आपको फ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपका चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जो है इसको सेलेक्ट करके इंटरेक्ट में जाऊंगा और यहाँ पे लाइव पे क्लिक करूँगा। लाइव पे क्लिक करने के बाद इसको क्लोज करूँगा और यहाँ पे मेरे पास ये आ गए हैं बॉलर और बैट्समैन आ गए हैं, मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से कर देता। अच्छा जी, अब इसको मैं दोबारा कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। पेस्ट करने के बाद मैं इसके जो अवर की टाइम लाइन है वो यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट, अवर की टाइम लाइन यहाँ पे एडजस्ट हो गई है फ्रेंड्स। आप इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अवर की टाइम लाइन जो हो गई है लास्ट अवर और करंट अवर आएगा, ये आपका बॉलर आ गया है, ये बैट्समैन दोनों आ गए हैं, पार्टनरशिप आ गई है, ये आपके स्कोर आ गए हैं हर बैट्समैन के, ये इसका बैट्समैन का स्कोर है, ये इसका स्कोर है, यहाँ स्ट्राइक रेट है, यहाँ कितने चौके छक्के लगाए हैं वो है, और यहाँ ये बॉलर का डेटा है कितने ओवर करा चुका है, कितने स्कोर दे चुका है और कितनी विकेटें ले चुका है, और कारण भी यहाँ पे आ गए। फ्रेंड्स ये आपका स्कोरिंग तैयार हो गया है, इसको मैं फोर कॉपी पेस्ट यहाँ पे करके इसकी एडिंग दे देता हूँ। क्या कौन सा मैच करंट अभी चल रहा है, ये यहाँ पे आ गई एडिंग इसकी, तो मैच कौन सा कितने नंबर का चल रहा है और किस किस किधर में। तो यहाँ पे आप और भी कुछ ऐड करना चाहें तो फ्रेंड ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा जो है इंटरफेस तैयार हो चुका है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप जो है यूट्यूब पर इसको कैसे लेके जाना है, तो अपने यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, यहाँ पे यूट्यूब ओपन कर लेंगे। यूट्यूब ओपन करने के बाद हम यहाँ पे जो है वो लाइव पे चले जाएंगे, वो लाइव पे क्लिक करेंगे और ये हमारे स्ट्रीमिंग ब्राउज़र पे चला जाएगा। स्ट्रीमिंग ब्राउज़र पे जाने के बाद
OBS में हमने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके यहाँ पे स्ट्रीम में जाना है, स्ट्रीम में जाके यहाँ पे हमने सर्विस में टाइप करना है यूट्यूब RTMFPS, और यहाँ पे जो है वो हमने यूज स्ट्रीम की एडवांस लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमने अपनी स्ट्रीम की तो हम यहाँ पे जी स्टूडियो में आ गए हैं, लाइव स्टूडियो में। तो यहाँ पे हमने जो है ये जो स्ट्रीम की आपको नज़र आ रही है, इसको हमने कॉपी करना है और अपने OBS में जाके यहाँ पे हमने इसको करना है पेस्ट, अप्लाई करके ओके कर देना है। अप्लाई करके ओके करने के बाद हमने जस्ट जाके यहाँ पे सेटिंग करनी है, एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे हमने टाइटल दे देना है कि कौन सा मैच है, तो कर लीजिए पाकिस्तान में क्या का मैच, बाकी आपने जो भी टाइटल देना है आप आराम से यहाँ पे दे सकते हैं। लंबा चौड़ा मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ, टाइटल दे के आपने इसको कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे थंबनेल भी दे देना है, थंबनेल आप चेक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, अगर पाकिस्तान इंडिया का मेरे पास थंबनेल है तो मैं वही, मेरे पास ये थंबनेल पड़ा है, तो फ्रेंड मेरे पास ये एक थंबनेल पड़ा है, मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। है तो ये पुराना लेकिन मैं इसको अभी ये से कर लेता हूँ, सेव हो गया जी। अभी हमने OBS पे जाके इसको कर देना है स्टार्ट स्ट्रीमिंग। करने के बाद यहाँ पे हमने आके देखना है हमारी स्ट्रीमिंग यहाँ पे पहुँची है या नहीं। यहाँ पे हमारी स्ट्रीमिंग पहुँच आई है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है स्कोरिंग की, और अगर ये अपडेट हो रहा होता तो ये साथ साथ अपडेट भी हो रही है। जैसे जैसे आप वहाँ से जो भी मैच उठाएंगे वो अपडेट होगा, तो यहाँ पे भी वो अपडेट होगा। यूट्यूब में जाके भी ये दिखा देता हूँ, तो ये देख लें फ्रेंड्स हम अपने चैनल पे आ गए हैं और ये हमारी स्ट्रीम यहाँ पे हो रही है। तो हमने थंबनेल लगाया था वो भी आ गया हुआ है, देख लें जो थंबनेल हमने लगाया वो भी यहाँ पे आ गया और पा गए करेंगे। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, लाइक मेरा बहुत स्लो है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। देख लें फ्रेंड्स बिल्कुल HD लाइव स्कोरिंग आपके सामने।